को दिखाने वाली हूँ, और आप बेशरम जैसे किसी दूसरों को बताते हुए शर्म नहीं आती? मेरी बीवी की काली है, गोरी है, जिसका गोरा है ना उसके साथ शादी कर लो आप। मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना मेरी काली, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। बोल रही हूँ ना, जाओ ना, मेरा दिमाग मत खराब करो। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? बेडरूम में कैमरा लगा के आया हूँ। डबल मीनिंग प्रैंक है, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। अंत तक वीडियो देखना, मजा आएगा। चलो यार पूजा, ये सब क्या कर रही है तेरे को? मैंने छोड़, ये सब अपने को जाना है, चल। किधर जाना है? जाना है चल, तेरे को सुबह बोला ना जाना है करके। हाँ लेकिन किधर जाना है ये तो नहीं बताना। तेरे को मैंने कुछ चार दिन पहले बोला तेरे को कहीं पे लेके जाना है मेरे को, चल। कहाँ लेके जा रहे हो, किधर घुमाने लेके जा रहे हो? तो पहले बता दो ना किधर घुमाने लेके जा रहे हो, उस हिसाब से कपड़े लेने के लिए। जाना किधर है बोलोगे जरा? तू चल, सिर्फ कुछ तेरे साथ कुछ करने वाला नहीं हूँ मैं, अत्याचार नहीं करने वाला हूँ जहाँ पे लेके जा रहा हूँ। हाँ पता है अत्याचार नहीं करोगे, उतनी हिम्मत नहीं। इज्जत पे दाग नहीं लगाऊंगा, तो इतना तो पूछ लिया आप में कि। तो चल फिर, अब बोलो तो सही किधर जाना है। अरे चल ना यार, मेरे दोस्त की बीवी भी आ रही है, चल 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 चल। मतलब दोस्त की बीवी भी आ रही है? कौन सा दोस्त? अरे चल ना भाई साहब, तू क्यों इतना सवाल पूछती है? बताओ ना कौन सा दोस्त सवाल पूछती है इतना, मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है। अरे गुस्सा आता है ठीक है, लेकिन आप सही सही बता दोगे तो मैं आऊंगी ना। अभी बताने के लिए टाइम नहीं, तू जल्दी से चल। बताओ यार क्या प्रॉब्लम है, बिना बताए तो आ नहीं सकती क्या? बताना जरूरी है, चल ना। बताओगे ना तभी आऊंगी, समझ में? नहीं आ रही हूँ मैं। क्यों? आप बताओ पहले किधर जा रहे, फिर मैं आऊंगी। नहीं बताऊंगा तो क्यों नहीं आएगी? नहीं आऊंगी मैं। क्यों नहीं? क्यों? लेकिन मुझे बताओ ना पहले किधर। लेकिन क्यों नहीं आएगी? नहीं बताना क्यों नहीं आएगी। मेरे को आप पे भरोसा नहीं, किधर लेके जाओगे? मतलब बताओ ना किधर लेके जाओगे? भरोसा नहीं मतलब? भरोसा मतलब भरोसे की बात नहीं है ऐसे, सिर्फ ऐसे ही। मेरे को पहले पता चलना चाहिए ना मैं किधर जा रही, फिर मैं आऊंगी ना। ऐसे थोड़ी मैं उठ के आऊंगी। सही पकड़े हैं तू भी ना यार पूजा। क्या मैं भी? मेरे को पता है आपकी आदतें कैसी है, आप मेरे को नीचे तक लेके जाते हो, इधर उधर छोड़ के है ना कहीं पे भाग जाते हो, किधर लेके नहीं जाते हो। कितनी एक दो बार ही हुआ है ऐसा? हाँ तो एक दो बार ही हुआ है, इसलिए मेरे को अभी अक्ल आ गई है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ किधर जाना है। तो मैं दूर नहीं लेके, पास में ही छोड़ दिया था तेरे को, जहाँ से तू रिटर्न आ सकती है। हाँ तो क्यों छोड़ दिया? लेकिन मेरे को अभी बता दो फिर मैं। हेलो, हाँ अबे तू पहुंच भी गया, तूने करवा दी ली? साथ में जाना था ना अपने को, साथ में जाना था ना, हो गई सफेद हो गई इतनी जल्दी? क्या किया भाई? हाँ कौन सा क्रीम लगा, क्या लगा जो इतनी जल्दी काली की सफेद हो गई तेरी बीवी की? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात आपसे करना चाहूंगा दोस्तों। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप औरों के मुकाबले ज्यादा थके रहते हो, काफी मेहनत के बाद भी क्या आपके मसल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, जबकि आप अपने डाइट का भी अच्छे से ध्यान रखते हो, प्लस एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हो? तो दोस्तों इसका एक ये कारण हो सकता है कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो। हाँ जी दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसे हम मेल हार्मोन भी कहते हैं, जो पुरुषों में उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स जैसे कि दाढ़ी के बाल, मूछे, पुबर्टी हेयर, आवाज में भारीपन को बिल्ड करता है। और जैसे कि मैंने बताया, इस हार्मोन के इम्बैलेंस हो जाने पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लो एनर्जी, हेयर फॉल, सेक्सुअल वीकनेस जैसी काफी समस्या हमें फेस करनी पड़ती है, और कभी कभी गायनोकोमोस्टिया जैसी प्रॉब्लम भी मर्दों को फेस करनी पड़ती है दोस्तों। वैसे तो मार्केट में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए प्रकार प्रकार के बूस्टर अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो भी यूज कर रहे हो 100% नेचुरली हो, वरना अक्सर इन प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, यह है मैंश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट भी मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद है जो आपके टी लेवल को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके सेक्स ड्राइव को भी इंप्रूव कर देता है, जिसके कम होने से आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव का माहौल पैदा हो सकता है दोस्तों, आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ सकती है इससे। और साथ ही साथ ये इम्यूनिटी इंप्रूव कर देता है, हेयर फॉल रोकने में आपकी हेल्प करता है, सेक्सुअल वीकनेस भी कम कर देता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स और आप इसका सेवन कैसे कर सकते हो। तो पहले इसमें गोकरू बाड़ा, गोकरू बाड़ा ये एक नेचुरल पदार्थ है जो आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में और यूरिनरी इन्फेक्शन को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। एज पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, द मैन हु कंज्यूम
1500 mg of Gokuru Vada was actually more satisfied and increased stamina in man. और सेकेंड है सफेद मुसली. ये एक एंजाइट आयुर्वेदिक हर्ब है दोस्तों, जो आपके बॉडी के मसल ग्रोथ करने में और आपके लिबिडो को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है. आपको बस एक कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद और एक कैप्सूल रात के खाना खाने के बाद लेनी है. और अगर आपको किसी भी प्रकार की एडवाइस चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जहां से आप डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन पा सकते हो दोस्तों. साथ ही साथ बाइंग लिंक भी दिए है जहां से आप घर बैठे इन प्रोडक्ट को मंगा सकते हो दोस्तों. एक बार जरूर यूज करके देखना दोस्तों, काफी लाभदायक प्रोडक्ट. सही है भाई, जादूगर हो तो चिल्लाई क्या. सही है यार. हाँ तो मैं भी अभी ला ही रहा हूँ यार, ये नाटक करती है ना आने से हर बार का इसका. तो इसको थोड़ा अभी बच्चों की तरह इसको नमस्कार लगाना पड़ता है. हाँ हाँ हो जाएगा ना, लेकिन नहीं मेरे बीवी की बहुत ज्यादा काली है इसलिए बोल रहा हूँ, हो जाएगा ना. हाँ ठीक है, चलेगा. चल चल किधर जाना बताओ. बताओ. सुना ना क्या फालतू की जो तेरी काली पड़ी है ना, तो उसका कालापन दूर हो जाएगा. उसे आपको क्या प्रॉब्लम है, जो मेरा जैसा है वैसा है. जो तुझे दिक्कत है ना उसका मुझे दिक्कत है. मुझे किसी बात से दिक्कत है नहीं. ये सब क्या करती है तू, पागल है क्या. तेरे को मारपीट ही करनी होती क्या हमेशा, तो जुबान से बात नहीं कर सकती क्या. मेरे को अच्छे के लिए कर रहा हूँ. चीज से कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप मेरे को क्यों लेके जा रहे हो. देख पति हूँ ना तेरा. हाँ तो पति हूँ ना. हाँ तो. तो बीवी को अगर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पति को प्रॉब्लम हो सकती है बीवी की किसी चीज से. चल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है. अरे भाई साहब तू अभी ना ज्यादा बड़बड़ मत कर, अपने को निकलना है. तू सिर्फ चल मेरे साथ. मैं नहीं आ रही हूँ. एक बार देख, अरे मेरे दोस्त की बीवी की ना मस्त सफेद हो गई, एकदम भारी हो गई. बोल रहा है वो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो काला था कभी, एकदम मस्त. ठीक है फिर उसके पास जाओ, आप जाओ और आपके दिमाग में जो सड़ेला पार्ट है ना वो निकाल के आ जाओ. समझ में आई बात. अरे ठीक है, सब काला काला दिख रहा है ना, किस वजह से दिख रहा है ना, वो सब सड़ेला पार्ट है ना आपके भेजे. मतलब मेरे को काला काला दिख रहा है, तेरा है नहीं क्या. नहीं ऐसा कुछ है नहीं. अगर है तो क्या हुआ, कहां में जाके दुनिया को दिखाने वाली हूँ. और आप बेशरम जैसे किसी दूसरों को बताते हुए शर्म नहीं आती, मेरी बीवी की काली है बोरी है. तो क्या हुआ आपको कुछ मतलब लगता नहीं है, ऐसा ऑकवर्ड फील होता है. जब प्रेगनेंसी होती है, जब लोग डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, तब इतना सोचते हैं मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी. वैसे ही ये भी एक किस्म का डॉक्टर ही है. चल वो डॉक्टर को है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है. मैं देख, मेरी इच्छा है कि मेरी बीवी की काली ना हो, मेरी बीवी की अच्छे से मस्त चमचमाती हो. चल नहीं चाहिए मुझे. अरे हरकतें मत करना पूजा यार. मैं नहीं आ रही हूँ, मैं आराम से बात कर रही हूँ. मेरे को किधर नहीं आना है, मेरे को काली है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको है तो आप जाओ, आपके आके धुलवा के आओ. अरे चल रहा है यार. अरे वहाँ पे काफी जन आते है, काफी लेडी आते है और अपना जो कालापन है दूर कर देते है. तू चल ना, तेरा भी हो जाएगा. एक बार देख तो ले एक केस में. मेरे को नहीं आना है, मैं क्यों आऊं, ऐसे सब गंदी हरकतें करते रहते हो आप. अरे काली की सफेद हो जाएगी ना. हा? मुझे नहीं चाहिए सफेद. चमचमाती हो जाएगी, मस्त मस्त दिखेगी, तो बाद में देख के खुश हो जाएगी. तू तो देखती नहीं है, जो देखता है उसको पता ना. चल आपको प्रॉब्लम है ना तो आप जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे प्रॉब्लम है ना, मुझे है. चल देखो मैं लास्ट स्टेज तक आने के लिए मजबूर मत करो. मुझे बता तू शकल को जब ऑफिस जाती है, शकल को कैसे मेकओवर करती है कि नहीं, पाउडर व्यूडर लिपस्टिक विपस्टिक लगा के. तो लगाना पड़ता है. हाँ तो बाहर जाते चार लोग के सामने जाते. हाँ तो फिर उस वो भी अगर काली पड़ी है तो उसको भी ठीक करना तेरा फर्ज है कि नहीं. हाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं है या सिर्फ वो छुपा के रखना है, कोई देखने वाला नहीं है तो छुपा के रखो. हाँ तो सबका होता है, कॉमन है, ज्यादा मत बको. किसका होता है, किस किसका देखी है तू, किस किसका देखी है बता. पागल हो गई हो क्या. अरे तू पागल हो गई, चल ना अपॉइंटमेंट लिए पूजा, फालतू में पैसे देने पड़ेंगे. किससे पूछ के अपॉइंटमेंट ली, मैं मेरे से कुछ कंसर्न किया आपने. सोचा बीवी को सरप्राइज दूंगा मैं, तू तो गुस्सा हो रही है. सरप्राइज नहीं चाहिए मेरे को.
अबे चल ना, तेरे को ऐसा घुमाने लेके जाओ, ताजमहल दिखाने के लिए लेके जाओ, वही चल, बहुत बड़ा सरप्राइज। वहां से अपन ताजमहल भी देखने जाते हैं। नहीं आना है, चल। मैंने बोला ना, मेरे को सच में आप पे भरोसा नहीं है, आप क्या क्या करवा दोगे ना। लेकिन आखिरी भरोसा कर, ऐसा समझ की एक आखिरी चांस दिया है मुझे, बिल्कुल ये मेरी लास्ट उम्मीद है, इस पे पानी मत फेर। मेरी उम्मीद ही मिट गई, मेरा लास्ट चांस है, चल ना। मेरी उम्मीद ही मिट गई अभी। अरे पूजा यार, वो काली देख देख के मैं थक गया हो रे, मेरे को अच्छा नहीं लगता, छुपा के रख दी है तूने। साफ साफ बोलूं, हाँ मेरे को, आपको है ना ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है ना इतना, तो जिसका गोरा है ना उसके साथ शादी कर लो आप। जिसका गोरा है उसके साथ शादी कर लो? हाँ क्या ऐसी बातें कर रही, चल ना। मैं नहीं बोल रही हूँ ना, आपको समझ में नहीं आता है आपको बात? चलना चलना, एक तो बिना पूछे ऐसे किसी का अपॉइंटमेंट ली, कौन है क्या है कुछ पता नहीं है। चल तेरा काला है तो घोरा करवाता हूँ, सफेद करवाता हूँ, ये कोई बात हुई? दिमाग खराब, देख अभी मैं कुछ फेंक के मारूंगा तेरे को, चल। हाँ मारो, मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना मेरी काली, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझ में आई बात? अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिख, मतलब दिखने को अच्छा नहीं लगता है ना, तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, मत देखो, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है। पूजा यार चलना यार, मेरे को नहीं आना, मैं बोल रही हूँ ना। अरे कुछ तो घिस देता है वो, घिसने के बाद तुरंत ना वो काला दाल निकल जाता है, सही में बोल रहा हूँ। चाहिए तो मैं उसको बोलता हूँ आंखों में पट्टी लगा, बस आंखों में पट्टी लगा। मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी है, बेवजह के इधर बहस नहीं चाहिए मेरे को। फेस को जो मेरे को करना है नहीं, वो मैं क्यों आपसे बात करूँ, क्यों डिस्कस करूँ? लोग उसी को ही मतलब सजाते हैं जो दिखता है लोगों को, लेकिन जो दिखता नहीं, जो छुपा रहता है, उसको कौन कब सजाएंगे? उसका भी ध्यान रखना तेरा फर्ज है कि नहीं? उसको कौन सजाता है? देखो आप अभी यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है? मेरे को अभी बहस नहीं चाहिए। कोई बहस नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, गाय चाहिए? जाओ ना, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ। मेरी लाडली भी, चल मेरे को नहीं अच्छा लगता, नहीं आना है मेरे को, नहीं अच्छा लगता है। अरे 5 मिनट का काम, 5 मिनट में वो कालापन निकल जाएगा। अरे पूजा, काला दाग चला जाएगा, तू बाद में खुश होगी, तू खुद बोलेगी यार थैंक यू सो मच, आपने ये सब किया मेरे लिए, और मैं आपको कितना गलत समझती थी। आप है ना यहाँ से निकल जाओगे तो आप बहुत मार खाओगे। कितने दिन छुपा के रखेगी यार? अच्छा मुझे तो दे, मैं तो लेके जाता हूँ। क्या? तेरी पायल, पायल। कैसा लगा मेरा मजाक? काली पड़ी इसलिए पहनती नहीं है, देना, मैं तो लेके जाता हूँ। वो कुछ तो घिसता है, पॉलिश करता है, तुरंत वो कालापन निकल जाता है। क्या हुआ? वो मेरे को आता है घिसने के लिए। इतने दिन से बिना पायल की तू रह रही है, मेरे को अच्छा लग रहा है क्या पूजा? छुपा के रखी है कबर्ड में तू, हाँ काला पड़ा इसलिए, तो उसको कर देते ना पॉलिश कर। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही तू इसके लिए? पायल चाहिए तो मुझे बोलो ना, उधर से लेके जाओ ना। फिर तो पायल ही तू बोल रहा हूँ, फिर क्या तू क्या सोच रही है? तू क्या सोच रही है पागल घटिया? तो पायल पायल ही बोल रहा हूँ मैं, कब का पायल के बारे में? पायल ही काली पड़ी है ना, तू कितने दिन से खुद ही बोल रही है ये काला बहुत हुआ इसलिए पहनती नहीं हूँ। चांदी काली पड़ती है ना, तो तू क्या इस बारे में बात सोच रही थी? मुझे बता, सही से बता। हाँ घटिया सोच, और क्या काला है तेरा? क्या काला है तेरा? क्या दिमाग खराब कर देती पूजा? क्या तेरा सोच बदल, सोच देश बदल गया, सोच कब बदलेगी तेरी? कब बदलेगी सोच तेरी? कब बदलेगी सोच? कब बदलेगी? कब बदलेगी? मैं क्यों बदलू? तेरे भले के लिए हर बार मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। अभी है ना देख, अभी मां कसम, अभी तू है ना पायल तो काली, अभी काली के सब पे चकमा, वो पायल का कालापन तो अभी जिंदगी भर जाएगा नहीं। नया कभी नया कभी तो बोलना मुझे, नया तो कभी बोलना मुझे नया दिला, या फिर काली पड़ी है उसको ठीक करा, तब तब ये दिन तेरे को याद दिलाऊंगा मैं। ये दिन याद दिलाऊंगा, और ये दिन याद तुझे याद भी नहीं रहा ना, तो वीडियो दिखाऊंगा तेरे को,
तब तेरे को याद रहेगा। वीडियो निकाल रहे हो? वीडियो निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि तेरी सोच टेस्ट कर रहा था। मैंने सोचा तुरंत तेरे को याद आ जाएगा कि तू किस में किस बारे में बात कर। खुद बोल रही है ना काली पड़ी इसलिए रखा हो तो मेरी बातों से समझ जाएगी, लेकिन तू नहीं समझी, तूने उल्टा ही सोचा। कपड़ों के अंदर उसार दिया है, बॉटल के पास कब से मैंने एक घंटे से कैमरा रखा है, एक घंटे से कैमरा नहीं करोगे आप? पोस्ट नहीं करूंगा, ये सभी पोस्ट करूंगा, यही मेरे को अच्छा लगता है पोस्ट करना। नहीं ना बाबू प्लीज। देखा दोस्तों कैसा, क्या है ये, क्या है, कहां जाके इसका दिमाग कहां पॉलिश करूं मुझे ये बताओ। हाँ पायल तो पॉलिश हो जाएगी, इसका भेजा कहां पॉलिश करूं, वही मेरे को एक जगह नहीं मिल रही, बाकी सारी चीजों का मतलब ठिकाना मैंने ढूंढ लिया है। चलो ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताना जरूर, सब्सक्राइब करके जाना, जाते जाते फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता। बाय।